नहीं नहीं उनकी फैमिली आई है डेफिनेटली, तो आप उनसे मिलोगे? सिर्फ डिनर कर रहे हैं जी, तो क्या कुछ ताज में हम लोग डिनर कर रहे हैं, या आई एम हैप्पी। तो मिलने के बाद क्या कुछ बोलने वाली हो उसके बारे में? कुछ नहीं, जस्ट डिनर करेंगे और वो मुझे देखेंगे। मतलब मॉम डैड, मतलब और रियल मॉम डैड नहीं आए, कजन आए हैं, है ना? या मेरी फैमिली तो ऑलमोस्ट हर चीज़ जानती है राखी के बारे में, ऐसा नहीं कि दे डोंट नो। बैंगलोर भी आ रही है राखी वेरी सून। या तो आदिल सर के मॉम डैड से मिलने का कब है आपका प्लान? वो जब भी मिलाएंगे तब। और आगे रिश्ता बढ़ सकता है? एक्चुअली इनका खानदान दुरानी फैमिली मतलब बहुत है ना, तो अभी आंटी अंकल वैसे सब लोग आ रहे हैं, हमारा डिनर है एक। या नर्वस तो हूँ मैं, बट मेरे साथ आदिल है इसलिए मैं डरती नहीं हूँ। मतलब आदिल ने आपको, आदिल ने आपको सब कुछ ट्रेन कर दिया है क्या? फुल ट्रेंड, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे इम्प्रेस करना है, डेफिनेटली। हाँ। हाल ही में आप लोग दुबई गए थे, उस ट्रिप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कितना एंजॉय किया आपको? डॉक्टर की कुछ डिग्री कैसे कुछ सुनने में आया है? MBBS किया है मैंने। डॉक्टरेट मिला है राखी को। डॉक्टरेट राखी मतलब वो एक अवार्ड मिलता है ना, वैसे वैसे कोई इतना डरो मत कि मैं किसी के MBBS ये डिग्री लेके ऑपरेशन करने चली जाऊंगी। उसको डॉक्टरेट मिला है फॉर सोशल सर्विसेज के। आई स्वेयर मैं कहती हूँ मुझसे ऑपरेशन करवा लो, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो वाली डॉक्टर नहीं है, सोशल सर्विसेज के लिए डॉक्टरेट अवार्ड दिए। देखो आदिल मुझे कितना करेक्ट करते हैं, मेरी जिंदगी का सही लाइफ पार्टनर है वो। बड़ा आपको सच बता दूं, आदिल खुद एक डॉक्टर है। नहीं, मेरे दोस्त डॉक्टर थे तो मैं उनके साथ पढ़ता था, आई यूज्ड टू, तो मेरे को थोड़ा नॉलेज है उसमें, थोड़ा बहुत नॉलेज है। नहीं नहीं, मुझे जब मुझे पता चला कि उन्होंने सब कुछ सर्जरी के बारे में, मेडिसिन के बारे में सब बताते हैं, तो फिर ऐसा लगा कि अरे आपको कैसे पता। मेरे को कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को कभी भी बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो मेरे दोस्त जो थे पूरे डॉक्टर्स थे। देन व्हाई यू टोल्ड मी आई एम अ डॉक्टर, आई नो एवरीथिंग। आई नेवर टोल्ड यू। ए यू टोल्ड मी। इसको एक बार मैं डांटा बिकॉज़ कुछ गलत गोली खा रही थी, तो ऐसा बोला मैं। अभी जो एक दिन है ना, मेरी फोटो इतनी वायरल होने वाली है ना, रक्षाबंधन के दिन राखी, मैं आई एम सेंडिंग यू राखी, और ये सब मेरी फोटो भेज देते हैं। मत करो ऐसा, अरे मुझे आदिल के लिए रहने दो। आई एम डैम हैप्पी, बहुत हैप्पी हूँ मैं, बहुत खुश हूँ कि सलमान सर को गन का लाइसेंस मिल गया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो बोलती हूँ सलमान सर आप टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं होगा, देश की पूरी जनता की दुआएं उनके साथ हैं, और मैं भी उनके लिए दिन रात प्रे करती हूँ। मैंने उनके गन लाइसेंस के लिए मैंने प्रे किया था कि गॉड उनको गन का लाइसेंस मिल जाए, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए फिर यू नो गन रख सकते हैं। एंड कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं तो सलमान खान की बॉडीगार्ड बन सकती हूँ। अच्छा, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मतलब अगर मैं वो ऐसे चल रहे, अगर मैं उनके आगे से चलूँ, अगर कोई गोली मारने वाला होगा तो मुझे लग जाएगी ना, भाई को नहीं लगेगी। मैं क्या करूँगा सलमान सर की बॉडीगार्ड, आप फिर आदिल भाई आप क्या करोगे? वो तुमको पूछ रहे हैं, हम तुमको पूछ रहे हैं सब लोग। क्या तुम क्या करोगी? मैं क्या करूँगा? किस बारे में क्या करोगे? तुम सलमान भाई के बॉडीगार्ड बन गए तो आप मेरे साथ ही रहोगे ना? अच्छा, मुझे भी गोली लगा दोगी क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी ना, कोई गोली का खाने का काम थोड़ी जो कोई मार के जाएगा। सो एट द एंड आपकी रील्स का, उनके पास और बहुत सारे सिक्योरिटी रहती है। सो एट द एंड आपकी रील्स काफी वायरल होते हैं, आप काफी ट्रेंडिंग में रहते हो, आपको प्यार देने वाली ऑडियंस से क्या कुछ कहना चाहोगे? यही कि मेरे और आदिल के लिए दुआ मांगो कि आज जो मैं जा रही हूँ डिनर में, उनको मैं पसंद आ जाऊँ, और मैंने इनकी फैमिली को मैं पसंद आ जाऊँ बस। वैसे ब्रॉड माइंडेड है इनकी फैमिली, आंटी सब लोग बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है, सबसे ज़्यादा तो आदिल है, आदिल मेरे सारे नखरे उठाता है। वांट टू से समथिंग? चलो, थैंक यू सो मच।